इससे पहले मौजूद ब्रह्मांड के कोलैप्स होने के बाद हुआ है, एंड ये स्टेटमेंट बिग बाउंस थ्योरी रिप्रेजेंट करती है। वेल, हमारा ब्रह्मांड अनंत है, ये कहाँ तक फैला है इसका जवाब हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है। अप्रोक्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इट मींस अब हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स का हो चुका है। ब्रह्मांड के जन्म की थियरी को बिग बैंग नाम दिया गया। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ब्रह्मांड बहुत ही छोटे से पॉइंट में सिमटा था। तब इसका टेम्परेचर 1 खरब डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। देन इसमें सडन एक्सप्लोजन हुआ, तब ये बहुत छोटा था। धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया। ये तो थी बिग बैंग थियोरी। ये थियोरी करीब 100 साल पुरानी है, जब 1920 में पहली बार यूनिवर्स एक्सपैंडिंग के एविडेंस मिले। बिग बैंग थियोरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स डेंसिटी व ग्रेविटी के एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस एक्सप्लोजन का टाइम इतना था जो कि हमारी सोच से भी कम है। एक्सप्लोजन से हमारा ब्रह्मांड फैला और आज तक फैलता ही जा रहा है। इस इंसिडेंट को साइंटिस्ट की लैंग्वेज में इन्फ्लेशन नाम दिया गया है। वेल, ये तो था बिग बैंग थ्योरी, जिसमें हम ये समझते हैं कि कैसे इस अनंत यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग एक्सप्लोजन से समय का भी फॉर्मेशन हुआ। तो समय से पहले का समय कैसा रहा होगा? शायद कभी आपने भी ये सोचा हो, ब्रह्मांड के जन्म से पहले का समय कैसा था? तो क्या बिग बैंग से पहले भी कोई ब्रह्मांड रहा होगा? इस पर साइंटिस्ट की अलग अलग राय है, लेकिन दुनिया के सभी साइंटिस्ट इस बात पर सहमत है कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। बिग बैंग एक्सप्लोजन 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर हुआ था, जो शायद हमारी इमेजिनेशन से भी कम समय में था। बिग बैंग थियरी 2 कंसेप्ट पर वर्क करती है। पहला ये कि 1920 में जब पहली बार यूनिवर्स एक्सपैंडिंग के प्रूफ मिले, इट मींस कभी हमारा ब्रह्मांड हॉट व डेंस था। और दूसरा इनिशियल सिंगुलैरिटी। इनिशियल सिंगुलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो ये बताता है कि अनंत ग्रेविटी व डेंसिटी का एक पॉइंट। वेल, बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? ये कंसेप्ट पहली बार 1960 में दुनिया के सामने आया, जब हमें ये पता चला कि समय से भी पहले कोई समय रहा होगा, जिसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स रॉबर्ट डिके व जेम्स प्रिबल्स ने इंट्रोड्यूस किया। इस थियरी को बिग बाउंस के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू बिग बाउंस थियरी, आज जिस यूनिवर्स में हम हैं, इससे पहले पुराना यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से कोलैप्स्ड हो गया और फिर जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। हालांकि बिग बाउंस थियरी पर साइंटिस्ट की अपनी अलग अलग राय है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मात्र सिंगुलैरिटी पुराने ब्रह्मांड की कोलैप्स्ड होने का रीजन नहीं हो सकता है। एक थियोरी ये भी बताती है कि पुराना यूनिवर्स तब तक इनएक्टिव रहा होगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। बिग बैंग के पहले का ब्रह्मांड छोटा, सपाट, काफी हाई प्रेशर का रहा होगा। यूनिवर्स को लेकर जो एविडेंस मिले हैं, वे बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स कभी बहुत गर्म था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है। इवन समय के साथ ये और ठंडा होता जाएगा। बिग बाउंस थियरी को लेकर एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट इसे मैथमेटिकली कुछ पॉसिबल सिनेरियो के साथ स्केच आउट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली बिग बाउंस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में पब्लिश हुआ था। इस स्टेटमेंट पर 3 रिसर्चर्स ने वर्क किया है। पेरीमीटर इंस्टीट्यूट की कजल केसनेजानी
कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट की एरिक लिंक व वाटरलू इंस्टीट्यूट की जेरोम क्वाइंटीन ने बताया कि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर समय से पहले का समय कैसा रहा होगा। बिग बाउंस का पूरा कंसेप्ट इन्फ्लेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी व सिंगुलैरिटी पर डिपेंड करता है। जनरल कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स में पब्लिश्ड एक रिसर्च में ये क्लियरली बताया गया है कि बिग बैंग से पहले भी एक ब्रह्मांड मौजूद था, हालांकि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सो इसे ब्रह्मांड से पहले का सीक्रेट यूनिवर्स कह सकते हैं। इसी सीक्रेट यूनिवर्स में ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हुआ था। अगर बिग बाउंस थियोरी सच है तो ब्लैक होल्स के बारे में हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CCNRS के रिसर्च डायरेक्टर पैट्रिक पीटर बताते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन बिग बैंग से भी पहले हुआ होगा। इट मीन्स ब्लैक होल्स की डिटेल्ड स्टडी से शायद बिग बाउंस थ्योरी के बारे में कुछ और ज्यादा पता चल सकता है। यूनिवर्स का ही अपना रोल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो एलिमेंट हो या मैटर ही क्यों ना हो, हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो शायद ये रूल खुद यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता होगा। जन्म के बाद से ही ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, इसके साथ गर्म से ठंडा भी हो रहा है। यूनिवर्सल एक्सपैंडिंग के ठंडा होने की वजह से ये आउटर ग्लोब के रूप में नहीं बल्कि माइक्रोवेव रेडिएशंस के फॉर्म में दिखाई देती है। माइक्रोवेव रेडिएशंस या कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को फर्स्ट टाइम 1965 में कॉस्मोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। बिग बैंग के स्टार्टिंग फेज में इन्फ्लेशन जीरो था। इसकी इंक्रीजिंग कैपेसिटी के साथ ही इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता गया। इन्फ्लेशन एक्चुअल में फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है और क्वांटम इनविजिबल होता है। क्वांटम थ्योरी इन्फ्लेशन को जीरो लेवल से एक्सिस्टेंस तक आने के लिए अलाउ करता है। ब्रह्मांड का एक पॉइंट पर एक्सप्लोजन होना, गर्म व डेंस होना, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होना और कंटिन्यूसली ठंडा होना एक अनडिस्प्यूट थ्योरी है, लेकिन बाद में मिले कुछ एविडेंस से बिग बैंग थ्योरी में भी कुछ चेंजेस किए गए। यूनिवर्स में गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को बांध कर रखती हैं। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्टेबल है। यूनिवर्स को लेकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। यहाँ तक कि थ्योरीज ये भी बताती हैं कि हमारे ब्रह्मांड की जैसे और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं। वेल, दूसरे ब्रह्मांड की थ्योरी तो शायद ही कभी क्लियर हो या कभी क्लियर ना भी हो सके, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड खुद में ही अनंत है। शायद ही हम कभी जान सके कि ब्रह्मांड की क्या कोई लिमिट भी है, अगर हम अपने ही ब्रह्मांड को करेक्टली ना समझ सके तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम दूसरे यूनिवर्स के बारे में कभी कुछ जान सकेंगे। अगर और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं, तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अभी ब्रह्मांड अलग अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि ब्रह्मांड एक दूसरे से करीब आने लगेंगे और फिर एक दूसरे में मिल जाएंगे। बिग बैंग थियोरी भी यही इंडिकेट करती है कि कई ब्रह्मांड होने चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कई थियोरीज हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे कई अदर ब्रह्मांड भी हैं। इनके कोलैप्स होने से एक नए ब्रह्मांड का फॉर्मेशन होता है। थियोरीज सिर्फ यही इंडिकेट करती हैं कि यूनिवर्स में बिग बैंग थियोरी भी एग्जिस्ट करती होगी और मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता होगा। किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के लिए ही जरूरी है कि वे फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हों। हमारे अर्थ पर फिजिक्स के जो भी रूल्स वर्क करते हैं, जरूरी नहीं है कि यही रूल्स ब्रह्मांड में कहीं और भी वर्क करते हों।